हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लूबेरी क्रम्बल केक की रेसिपी। इसे ब्लूबेरी बकल भी कहा जाता है। ये एक 3 लेयर डेजर्ट है जिसके बेस पे एक सॉफ्ट सा बटर केक बेक होता है। उसको हम कवर करते हैं फ्रेश या फ्रोज़न ब्लूबेरीज से और टॉप करते हैं एक क्रिस्पी से स्ट्रूसल के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास 52 लीटर्स का OTG है जिसे मैं प्री हीट करूँगी दोनों रॉड्स को ऑन करके टोस्ट मोड पे 10 मिनट के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे पहले हम यहाँ स्ट्रूसल बनाएंगे। तो स्ट्रूसल बनाने के लिए एक बाउल में मैंने लिए है ब्राउन शुगर, डेली यूज़ होने वाले पॉरेज ओट्स, मैदा और दालचीनी का पाउडर। इसमें मैं डालूँगी चिल्ड बटर। चिल्ड बटर डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे स्ट्रूसल का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रिस्पी आता है, और अगर हम यहाँ पे मेल्टेड या रूम टेम्परेचर बटर को यूज़ करेंगे तो स्ट्रूसल का टेक्सचर ना एकदम गूई या स्टिकी सा हो जाएगा। तो ये देखिए, इस बटर को हमें तब तक फ्लार के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है जब तक इस पूरे मिक्सचर का टेक्सचर ब्रेड क्रम्स की तरह ना दिखने लगे। स्ट्रूसल हमारा तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख के हम प्रिपेयर करेंगे अपना केक बैटर। यहाँ मैंने 9 इंच का एक स्क्वायर केक टिन लिया है जिसे मैं ग्रीस करूँगी मेल्टेड बटर से। फ्रेंड्स, इस रेसिपी की पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहाँ से आराम से उसको देख सकते हैं। अब मैं स्प्रिंकल करूँगी इसमें 1/2 चम्मच मैदा और इस पैन को थोड़ा सा टिल्ट करके इस मैदे को सारे में स्प्रेड कर लूँगी। इसके बाद पैन को उल्टा करके एक बार ज़ोर से टैप करेंगे, उससे सारा एक्सेस फ्लावर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, हमारा केक टिन रेडी हो गया है। एक बाउल के ऊपर छलनी रख के मैं उसमें डालूंगी मैदा। स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए इसमें जाएगा नमक, और एक अच्छा राइस देने के लिए इसमें जाएगा एल्यूमिनियम फ्री बेकिंग पाउडर। इन तीनों को अच्छे से छान लेंगे। अब एक दूसरे बाउल में मैं डालूंगी अनसॉल्टेड बटर। ये अनसॉल्टेड बटर मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, और क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं इसीलिए मैंने फ्रिज से सिर्फ 15 मिनट पहले इस बटर को बाहर निकाला था। एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मीडियम स्पीड पे इस बटर को 2 मिनट तक के लिए बीट करना है, इससे ये पेल और स्मूद हो जाएगा। अगर आप भी मेरी तरह एक पैशनेट होम बेकर हैं या फिर आप एक बिगनर बेकर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बटर हमारा स्मूथ हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी कास्टर शुगर। अगर आपके पास कास्टर शुगर नहीं है तो आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमें वापस मीडियम स्पीड पे 2 मिनट के लिए बीट करना है जिससे कि बटर और शुगर अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। अब इसमें जाएगा प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, वेनिला एसेंस नहीं, प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट का ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं एक एग। एग यहाँ पे रूम टेम्परेचर का लिया है मैंने, और इसे अब हमें वापस 2 मिनट के लिए बीट करना है मीडियम स्पीड पे। एग स्लिपरी होता है, और क्योंकि बटर में भी हाई फैट कंटेंट होता है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम और पेशेंस लगेगा इसको स्मूथ मिक्सचर होने में, लेकिन लास्ट में ये पूरा अच्छे से मिक्स होके एक पेल और फ्रॉथी सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि एग हमारा ठंडा ना हो, वरना वो बटर को टच करते ही उसके फैट्स को सॉलिडिफाई कर देगा और मिक्स होने की जगह वो पूरे बैटर को कर्डल कर देगा। यही रीज़न है कभी कभी जो बैटर कर्डल हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि एग जो है वो रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। एक बार ऐसे बाउल के साइड्स को अच्छे तरीके से स्क्रेप करके सारा बैटर मिडल में ला के मैं इसमें ड्राई इन्ग्रीडियंट्स और मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ शुरू करना है और मिल्क के साथ फिनिश करना है। ये देखिए, एक बार मैंने 1/3 ड्राई फ्लावर डाला और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला। अब मैं इसको लो स्पीड पे बस कुछ सेकंड्स के लिए बीट करूंगी। अब मैंने फिर से मिक्सर को रोका, फिर से थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्स डाला, फिर से थोड़ा सा दूध डाला, और फिर से बस लो स्पीड पे इसको मिक्स करना है 5 से 7 सेकंड तक, जब तक कि ये सारा जस्ट कंबाइन ना हो जाए। फिर मिक्सर रोक के अब मैं डालूंगी इसमें बाकी का बचा हुआ फ्लावर मिक्स और बाकी का बचा हुआ सारा मिल्क।
बस एक आखिरी बार अब हम इसे लो स्पीड पे कुछ सेकंड्स के लिए बीट करेंगे और बस इस स्टेज पे अब हमें बीटर्स को रिमूव कर देना है। एक स्पैचुला की मदद से साइड्स और बॉटम को स्क्रेप करके इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को अब हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने प्रिपेयर्ड बेकिंग पैन के अंदर। बैटर बहुत ही थिक है, इसीलिए एक ऑफसेट स्पैचुला की मदद से हम इस बैटर को चारों कोनों में अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको इसको कोनों तक पहुंचाना है और ये अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगा। बैटर को इवनली स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे फ्रेश या फ्रोज़न ब्लूबेरीज़। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न ब्लूबेरीज़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रेश ब्लूबेरीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे ब्लूबेरी लेमन पाउंड केक की रेसिपी भी पोस्ट कर रखी है जो कि बहुत ही अमेजिंग बनती है, तो आप उसको भी ज़रूर ट्राई करके देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे बैटर को अच्छे तरीके से ब्लूबेरीज़ के साथ कवर कर दिया है। अब इसकी थर्ड और फाइनल लेयर के लिए मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी हमारा ओट्स स्ट्रूसल। इसे अब मैं बेक करूंगी 170 डिग्रीज पे 40 से 45 मिनट्स के लिए, और जैसे हमारा पैन अवन में जाएगा तो हम अवन की सेटिंग को बेक मोड में कर देंगे। पूरे 42 मिनट्स में ये ब्लूबेरी क्रम्बल केक मेरा बेक होके बाहर आ चुका है। केक के सेंटर में एक टूथपिक को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है। इसका मतलब है कि केक हमारा पूरी तरीके से बेक हो चुका है। सर्व करने से पहले 10-15 मिनट तक इस केक को हम पैन के अंदर ही ठंडा होने देंगे। इस केक को एज इट इज तो एंजॉय कर ही सकते हैं, अगर आप इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बेकिंग।